हार्दिक पांड्या ने शायद ही सोचा होगा कि मुंबई इंडियंस में उनकी वापसी इस कदर खराब हो सकती है। अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को लगातार दो सीजन आईपीएल के फाइनल में पहुंचाने के बाद वो मुंबई में लौटे थे, जिसे लेकर शुरुआत में तो मुंबई के फैंस में खासा उत्साह था, लेकिन जब उन्हें रोहित शर्मा की जगह टीम का कप्तान नियुक्त किया गया तो ये जोश गुस्से में बदल गया और उसके बाद से ही वो लगातार निशाने पर हैं। अब उनकी कप्तानी में टीम इस सीजन में सबसे पहले प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई है। साथ ही हार्दिक की कप्तानी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों ने उनके तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई इंडियंस के कई सीनियर खिलाड़ियों ने हार्दिक की कप्तानी में टीम को चलाने के तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक मैच के बाद रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह समेत टीम के सभी खिलाड़ियों ने कोचिंग स्टाफ से मुलाकात की, जिसके बाद कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने अलग से बात करते हुए टीम के खराब प्रदर्शन की वजह बताई। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों से ही हार्दिक पांड्या के कई फैसले लगातार सवालों के घेरे में रहे। कभी जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग पर देरी से लेकर आना, तो कभी बैटिंग ऑर्डर में सही वक्त पर सही बल्लेबाज को ना भेजना, अक्सर ये देखने को मिलता रहा है। साथ ही मैच में हार के बाद बिना नाम लिए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को जिम्मेदार ठहराने से हार्दिक पर और भी ज्यादा सवाल उठ गए। ऐसा लगता है कि इससे हार्दिक की कप्तानी पर भी खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीजन खत्म होने के बाद हर साल की तरह इस बार भी टीम के प्रदर्शन का पोस्टमार्टम होगा और अगर जरूरत पड़ी तो टीम के भविष्य को लेकर फ्रेंचाइजी कोई बड़ा बदलाव कर सकती है। अब बड़ा फैसला क्या होगा ये तो आने वाले कुछ महीनों में ही साफ हो पाएगा। वैसे भी सीजन के बाद मेगा ऑक्शन होनी है, तो क्या टीम हार्दिक की जगह फिर से रोहित को कप्तान बनाएगी या सूर्य बुमराह जैसे दिग्गजों में से किसी को चुना जाएगा या फिर हार्दिक को एक मौका और दिया जाएगा, ये सब वक्त की बातें हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप हमें बताएं कि हार्दिक के इस प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है, क्या उनके पास कप्तानी रहेगी या फिर छिन जाएगी। मेरा नाम दीपेश है। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।